हे मॉर्निंग भाई लोग। सो अपना नॉट टू वाला जो गिव अवे इट हैज़ कम्प्लीटली एंडेड राइट नाउ। से 1 month तो हो गया। अभी अगर होता है तो आज रात 10 बजे मे बी आई एम गोइंग टू गो लाइव, और मे बी या फिर संडे, कल संडे आराम से लाइव जाएंगे। बताओ आज लाइव जाएं या फिर कल लाइव जाएं, किस में लाइव जाएं, इंस्टाग्राम में फिर यूट्यूब में? आई एम एक्चुअली थिंकिंग टू मेक द लाइव ऑन यूट्यूब टुमारो, मे बी 12 PM और एल्स मे बी 2 PM। लेट मी नो द टाइम। तो यही मेरा बढ़ा देगा, देख देख मेरा स्टोरी को देखता रहता है। चप्पल पहन के ऑफिस जाना पड़ेगा, बिकॉज somehow I have got my toes hurt yesterday, so आज चप्पल से काम चलाना पड़ेगा। सो अभी क्लोज टू मोर देन ए मंथ आई हैवन्ट स्टार्टेड माई स्कैंडलर एंड GFA बोथ। आज रात में अगर टाइम होता है दोनों को पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। सारा 1 महीना से स्टार्ट नहीं हुआ अभी। आई जस्ट होप इट गेट्स स्टार्टेड इजीली। हे मॉर्निंग, सो आउट फॉर द डे। तो आज मैं थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ ऑफिस, क्योंकि वी हैव गॉट लाइक विश्वकर्मा पूजा टुडे इन द ऑफिस। अभी मेरे को मालूम नहीं विश्वकर्मा पूजा है इंडिया भर में कैसे होता है। अपना यहाँ उड़ीसा में तो इट्स क्वाइट फेमस। हम लोग जब छोटे थे वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। अभी ऑफिस में ही पूजा होगा, देन फिनिश एंड देन कम बैक टू होम। ऑलराइट, सो टाइम इज ऑलमोस्ट 10 AM। अभी जल्दी से निकलना पड़ेगा। पहले तो भाई लोग ऐसा था कि मतलब कोई भी गैजेट नया आते ही इमीडिएट में ऑर्डर करता था। अभी लास्ट 1-2 साल से आई हैव ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ। अभी मैं क्या करता हूँ कि मतलब अगर कोई नया आइटम आता भी है, आई जस्ट ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ कि नहीं इस बार इसको नहीं लेना उसका पहला वाला। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग दिस Insta360 को। इसका ऑलरेडी version 2 आ चुका है, बट आई एम स्टिल यूजिंग दिस। एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस Insta360, इसका भी version 2 आ गया है, बट आई एम स्टिल यूजिंग दिस। एंड आई एम स्टिल यूजिंग द GoPro 8, जबकि GoPro 9 आ चुका है। एंड कल रात तो GoPro 10 भी आ चुका है। एंड जस्ट कमिंग बैक टू द GoPro वाला पॉइंट, भाई ये GoPro वाले मेरे को हैव नो आइडिया, दिस कंपनी इज मोर लाइक एक सिंकिंग शिप। ये क्या करते हैं, वही सेम कैमरे में खाली नंबर डालते रहते हैं, कुछ भी फीचर्स नहीं। एवरी कैमरा इज सेम, आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी कैमरा को उठा के यूज करो, एवरीथिंग हैज गॉट लाइक द सेम फीचर, सेम क्वालिटी, आपको सब कुछ सेम ही दिखा। भाई ये लोग क्या बनाते हैं, सीरियसली गॉट नो आइडिया। वही सेम कैमरा को बेचते हैं। आई एम स्टिल यूजिंग द 8, एंड अभी आप ये 8 एंड 10 दोनों को साइड बाई साइड रखोगे, इट्स गोइंग टू लुक एग्जैक्टली द सेम। कंपनी को भाई आगे बढ़ना चाहिए, उससे पहले कि DJI अपना X1 निकाल दे 1 इंच सेंसर के साथ। आई जस्ट होप दे डू, क्योंकि आई एम ऑल्सो गोइंग टू वेट फॉर द DJI X1। अगर वो नहीं आता मे बी आई विल जस्ट गो एंड अपग्रेड टू GoPro 10। होप सो अगर करते हैं तो, अगर ट्रैवल बहुत जल्दी शुरू हो जाता है लाइक द रोड ट्रिप्स, देन मे बी विल गो एड एंड गेट द GoPro 10, और एल्स विल आई एम जस्ट गोना स्टे विद दिस GoPro 8। एंड गाइज प्लीज लेट मी नो इफ एनीवन हैज वॉच्ड दिस बेल बटन अभी आया हुआ है अमेजोन पे। अगर किसी ने देखा अच्छा है लेट मी नो, वरना मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बट अक्षय कुमार है मतलब देखना तो पड़ेगा, बट स्टिल लेट मी नो इन द कमेंट हाउ इज द मूवी। सो भाई लोग टाइम राइट नो इज 9 PM। आज मैं ऑफिस से आ गया क्लोज टू भाई 2 या 3 PM। उसके बाद आने के बाद वी हैव टू गो टू द मर्सिडीज शोरूम टू सी द ए क्लास, सी क्लास एंड द ई क्लास। मैं कभी भी ए क्लास, सी क्लास, ई क्लास देखा नहीं था। आज पहली बार आई गॉट इन टू द शोरूम एंड सॉ दैट ए क्लास, सी क्लास, ई क्लास। बाकी मेरे को अभी भी ये समझ में भाई इंडिया में हर मॉडल इतना लेट क्यों होता है। सी क्लास का नया वाला ऑलरेडी वर्ल्ड भर में हर कंट्री में आ गया, बाकी इंडिया में अभी तक नहीं है। मर्सिडीज सेइंग इट्स गोइंग टू कम बाय ईयर एंड, नहीं तो ये नेक्स्ट ईयर में आएगा। सो अभी जिसी को भी सी क्लास खरीदना उसको वो पुराने वाले ही लेना पड़ेगा, बट द न्यू सी क्लास इज जस्ट सो लोडेड। सो माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू गेट 1 C-Class और मे बी ई क्लास, तो मैं तो उसको कह रहा हूँ कि थोड़ा भाई वेट कर, आराम से अपन सी क्लास लेंगे, और एल्स इफ यू कैनॉट वेट मे बी विल जस्ट गो एंड गेट द ई क्लास, बट आई डोंट लाइक द ई क्लास अगेन। सी क्लास का नया वाला इंटर बहुत ही मस्त है। वो एक बार अपन आज जो मर्सिडीज में शोरूम गए थे वो सी क्लास वॉज नॉट दैट ग्रेट, मतलब इंटीरियर वॉज गुड। ए क्लास आई एक्चुअली लाइक द ए क्लास, क्योंकि ए क्लास में भाई क्या मस्त इंटीरियर का मस्त नया वाला MBUX टच स्क्रीन है, एंड एवरीथिंग लुक्स सो गुड एंड लिट। बट एनीवेज अभी सी क्लास नया वाला आने तक तो एटलीस्ट तो वेट करेंगे। एंड मेरे को और एक बात भाई लोगों को आपको बताना था कि आईफोन का जो प्राइसिंग का सच है ये वाला चीज बहुत लोग मालूम है, क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको क्लियरली भी आता नहीं। सो जस्ट टू लेट यू नो आई एम नॉट गोइंग टू गेट द iPhone 13, मेरे पास ऑलरेडी iPhone 11 है। सो 11, 12, 13 भाई सब कुछ सेम ही है। अभी स्ट्रेट 14 आएगा जब उसके बाद लेंगे। पहले तो भाई वो आईफोन को मुझे ऊपर वाला नॉच को हटाओ, उसके बाद जाके पीछे में जो कैमरा है उसको पूरा प्लेन करो, वो इतना बाहर हो गया नहीं। मैं लेट मी जस्ट शो इट टू यू मेरा आईफोन में। सो माइन इज ए 11 Pro। अभी देखो मैंने ये जो लेदर वाला केस में लगाया हूँ ये वाला थोड़ा बड़ा है, नहीं तो ये कैमरा का जो ये रहता है ये इतना बल्ज होकर रहता है ऐसे रहने, कहीं अगर आप रखते हो
तो वो क्या होता है, आराम से आपका जो कैमरा वाला पार्ट स्क्रैच हो जाए, तो ये वाला उनको प्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद है कि जो नॉच को भाई हटाना, ये वाला नॉच एक्चुअली लुक सो बैड। सो अभी इतना सारा कंपनी का कैमरा, मतलब आईफोन तो नहीं, मतलब फोन से निकल गया, उसके सामने किसी का भी नॉच नहीं। बाकी आईफोन इतना पैसा ले कि वो अभी भी नॉच देता है, नो आइडिया। एनी वेज अभी मैं आपको एक प्राइसिंग के बारे में पूरा डिटेल से बता दूँ। अगर जस्ट इन केस इफ एनी वन वॉन्ट्स टू बाय द आईफोन 13, उसको कौन सा कंट्री से लेना है, कैसा लेना है, कितना सेविंग्स होगा, मैं आपको पूरा डिटेल वाला कैलकुलेशन दे देता हूं। सो बेसिकली इस बार जो आईफोन है वो चार मॉडल्स में आए। फर्स्ट जो है आईफोन 13 मिनी, उसके बाद 13, उसके बाद 13 प्रो, उसके बाद प्रो मैक्स। भाई प्रो मैक्स तो इतना बड़ा है, लोग कैसे खरीदते हैं, नो आइडिया। अगर मेरा पास प्रो मैक्स रहता वो मेरे पॉकेट के अंदर 3-4 बार वो दो पीस हो जाता है। एनीवेज सो आई जस्ट लव द साइज जो रहता है अपना, 11 प्रो, 12 प्रो, 13 प्रो का साइज जो है बेस्ट है। प्रो मैक्स लोग क्यों खरीदते हैं, नो आइडिया। सो आईफोन 13 मिनी का प्राइसिंग, 13 प्रो मैक्स उसका प्राइस अपन बात नहीं करते, 13 प्रो का बारे में बात करते हैं। सो पहले क्या होता था कि 64 GB आता था बेस, अभी बेस आता है 128 GB। सो अभी इंडिया में जो प्राइस है 13 प्रो 128 GB, 1,20,000 रुपये, 1,20,000। इतना में क्या क्या हो जाएगा भाई, अपना आपका एक US ट्रिप पूरा खत्म हो जाएगा, जाके आपके पैसा थोड़ा बचा भी लोगे, मतलब छोटा वाला कोई भी ट्रिप, UAE वाला, दुबई वाला ट्रिप तो आराम से हो जाएगा आपका। बाकी 1,20,000 फॉर ए फोन इज जस्ट टू मच मैन, टू एक्सपेंसिव। सो इंडिया में जो है 13 प्रो 128 GB इज लाइक 1,20,000। सेम वाला आपको दुबई से अगर आप खरीदते हो, यू हैव टू पे क्लोज टू 91,000, सिंगापुर से खरीदते हो क्लोज टू 90,000, हांगकॉन्ग से लेते हो क्लोज टू 80,000, कनाडा से लेते हो क्लोज टू 81,000, ऑस्ट्रेलिया से लेते हो क्लोज टू 91,000, एंड अगर आप यूनाइटेड स्टेट से लेते हो, यस, अगर आप US से लेते हो, यू हैव टू पे जस्ट 73,500। सो इंडिया का रेट पकड़ लो 1,20,000, एंड US का रेट इज जस्ट 73,000, मतलब क्लोज टू 50,000 का सेविंग्स। इसमें भी और एक भी ट्रिक है, आराम से आपको 50,000 से ज़्यादा का सेविंग्स हो जाएगा। मतलब जस्ट लुक एट द प्राइस डिफरेंस, US में 73,000, दिस 73,000 ओनली फॉर द स्टेट जहाँ की आपका सेल्स टैक्स नहीं रहता है। US में बहुत सारे स्टेट्स है जिसमें सेल्स टैक्स रहता है। अभी मेरा जो मैकबुक प्रो है दैट हैड बॉट इट फ्रॉम द US, बाकी मैं उसके लिए मैं अलग प्रश्न, तो मैं जब गया था US जो मतलब द मंथ व्हेन आई हैड गॉन मेरा मैकबुक प्रो लेना था, तो मैकबुक प्रो अगर मैं न्यूयॉर्क में था फॉर लाइक 6 या 7 डेज, अगर मैं न्यूयॉर्क से लेता मेरे को 40,000 एक्स्ट्रा आ रहा था जस्ट फॉर द टैक्स। सो आई टुक ए फ्लाइट टू ऑरेगन, जो कि पूरा मतलब ऑरेगन में आपको टैक्स लगता नहीं है, तो आई फ्लू टू ऑरेगन, गॉट द मैकबुक प्रो, सेव्ड 40,000 जस्ट फॉर द टैक्सेस। सो अगर आप कोई ऐसा स्टेट से लेते हो US में जहां की टैक्स नहीं लगता है, देन यू विल गेट इजिली फॉर लाइक 73,000। उसमें भी अगर आप अपना क्या बोलते हैं, स्टूडेंट वाला डिस्काउंट हो गया, एम्प्लॉय डिस्काउंट, ये वो कूपन, क्रेडिट कार्ड, ये सब डालोगे तो आराम से 70,000 उससे कम में आ जाएगा। मतलब आराम से US अगर आप लेते हो इंडिया के मतलब डिफरेंस में 50,000 यू कैन सेव। इंडिया में 1,20,000 एंड US में यू हैव टू जस्ट पे 70,000 फॉर द आईफोन 13 प्रो 128 GB, विच इज क्रेजी ह्यूज सेविंग। मैं तो बोलता हूँ 50,000 सेव करके, अभी अगर कोविड नहीं रहता मैं आराम से US जाके आईफोन लेके आके उसके बाद ही मैं पैसा बच जाता। बाकी एनीवेज अगर आप दुबई से लेते हो, दुबई का अगर आप एप्पल स्टोर से लेते हो, ऑफकोर्स यू हैव टू पे क्लोज टू लाइक कितना 91,000 या 92,000, बट अगर आप उनका जो बूर दुबई वाला जो स्टोर है वहां अगर जाके लेते हो, मे भी आपको और 4% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद एयरपोर्ट में आप वैट रिफंड भी ले सकते हो। प्रोबेबली इफ यू आर गेटिंग इट फ्रॉम द UAE, मे बी यू हैव टू स्पेंड समवेयर अराउंड 80,000 या फिर 84,000-85,000 ऐसा कुछ लगेगा। बाकी अगर एप्पल स्टोर से लेते हो UAE का, दुबई का, देन यू हैव टू पे क्लोज टू 92,000। दिस बाइक इज नॉट द मर्सिडीज बेंज की। बाय बाय, क्लोज द डोर, गो, बाय बाय। भाई इंडिया से दुबई भेजने का अगर कोई ऑफिशियल वाला वे होता, मैं जी वैगन एंड दोनों बाइक को टोटल पैक करके भेज देता। अभी कभी से शुरू नहीं हुआ है, इट्स लाइक अपना डुकेटी स्क्रैम्बलर एंड GS, अभी दोनों को मैंने स्टार्ट नहीं किया है क्लोज टू सिंस ए मंथ। पहले तो इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, कल पहले उसको दोनों में तेल भी भरना पड़ेगा, उसके बाद जाके एक बार हवा चेक करेंगे, देन द बाइक्स विल बी रेडी, स्टार्ट करके देखते हैं। चलो अपना स्क्रैम्बलर
तो शुरू हो गया। अभी मेरे को लगता है भाई अगर शुरू नहीं होता है फिर से डुकैटी वालों का सर्विस के लिए रुकना पड़ेगा। डुकैटी का सर्विस में इतना ज़्यादा पैसा लगता है, मेरा अभी इसका सेकेंड या थर्ड सर्विस है, नहीं सेकेंड थर्ड सर्विस है एंड इट्स गोना बी एक्सपेंसिव। आई नो मेरे को अभी थर्ड सर्विस में बुलाना भी है, बाकी मेरा टोटल किलोमीटर हो गया क्लोज टू भाई कितना 4-5 हज़ार ही होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं हुआ है। अभी इसको थोड़ा स्टार्ट करके रखते हैं, थोड़ा इतना गाड़ी थोड़ा गर्म हो जाए देन उसके बाद आगे जी इसको स्टार्ट करेंगे। मैन मैन स्क्रैम्बलर जस्ट लुक सो गुड मैन, सो गुड। परफेक्ट। खाली अपना ये चेन को थोड़ा लूप मारना पड़ेगा आज, क्योंकि अभी लास्ट 2 महीने से नहीं हुआ है एंड आई कैन सी ए लॉट ऑफ रस्ट। इसको पूरा साफ करेंगे उसके बाद है कि सर्विसिंग के लिए रेडी। ऑलराइट, टाइम टू स्टार्ट द जीएसए नाउ। जीएसए क्योंकि ये संडे वाला राइड में जीएसए निकलेगा, जीएसए काफ़ी दिनों से निकला नहीं है। रेडी पैनिस पैनिस में सब लगा के रखा था, पूरा गाड़ी साफ होके ही है, बस खाली बारिश नहीं हो जाए संडे के दिन। बारिश हुआ तो फिर गया बेटा, ऑन करते हैं। यस माइक इज ऑन। गियर पे किसने डाला? सर्विस ड्यू। ओके सर्विस ड्यू, सर्विस में लेना पड़ेगा। ओके स्टार्ट करके देखते हैं। अपना संडे के लिए रेडी। अभी हाथ तो खतरनाक खुजली कर रहा है कि रात हुआ है मतलब रास्ता पूरा क्लियर रहेगा। स्क्रैम्बलर को लेके पूरा एयरपोर्ट के पास से जाके राइड मार के आएंगे, बाकी बाहर में जितना बारिश हुआ है अगर मैं अभी स्क्रैम्बलर लेके जाऊँ बाय द टाइम आई रिटर्न बैक विद द स्क्रैम्बलर, स्क्रैम्बलर पूरा चारों ओर तो पानी रहेगा। मेरा पूरा पिछवाड़ा पीठ भी टोटल पानी हो गया होगा। एनी वेज आई कैन सी ए लॉट ऑफ रस्ट ऑन दो स्मॉल पार्ट्स, मे बी इट्स ड्यू टू द वॉशिंग थिंग। इस बार डुकैटी वाले सर्विस के लिए आएंगे जो सबको चेंज करना पड़ेगा। सो ये वाला पार्ट एक मेरे को दिख रहा है एंड द चेन इटसेल्फ, चेन को आज मेरे को पहले तो इसको क्लीन करना है। एंड अभी भाई लोग ये महीना एक लंबा वाला बिल आने वाला है, क्योंकि ये महीना अपना स्क्रैम्बलर का सर्विस होगा पहले, उसके बाद जीएसए की सर्विस होगा एंड डुकैटी का स्क्रैम्बलर का जो सर्विस रहता है इट्स काइंड ऑफ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। क्लोज टू 20-25,000 तो डुकैटी के स्क्रैम्बलर का सर्विस प्रॉब्ली लेंगे। इस बार तो मैं भाई देने वाला नहीं हूँ, लास्ट बार बहुत ज़्यादा पैसा लग गया था। जीएसए का सर्विस इज़ वेरी नाइस, मतलब वही 10 या 12 हज़ार में हो जाना चाहिए। तो क्लोज टू 30-35,000 ये महीना टोटल गोल ओनली फॉर द बाइक सर्विस। ये बाइक को चलाओ या ना चलाओ मेंटेनेंस में को बहुत पैसा खर्चा होता है, सो इट्स रिकमेंडेड अगर आप नहीं चलाते हो नॉट टू कीप दोस बाइक्स। Tell me a rhyme. Tell me a rhyme. Tell me. Come on. Come on. Come on, tell me. Come on, tell me. Come on. What are we making in the dinner? Dinner. Chalo. Let's ride the Lamborghini. Where is the remote? Where's the remote? Where did you keep the remote of this Lamborghini? Switch it off. Switch it off. चलो भाई लोग अभी टाइम हो गया ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 12 AM मिडनाइट। मेरा थोड़ा लेट हो गया, एक डॉक्यूमेंट्री लंबा वाला देख रहा था, पोर्शा वाला का एक डॉक्यूमेंट्री लंबा वाला। बहुत टाइम हो गया, अभी जल्दी से सोना पड़ेगा क्योंकि फिर 5 बजे उठ के वॉक लंबा वाला वॉक के लिए भी जाना है एंड आई विल सी यू नेक्स्ट इन द न्यू व्लॉग।